हेलो एवरीवन, ओके सो मेरा आज का टॉपिक है इज मनी या पावर गुड और इविल। मतलब पावर और पैसा जो होता है ये अच्छा होता है या बुरा होता है। कई बार हमने लोगों को सुनते देखा है ना, यार उसके पास पैसा आया, पावर आया, वो बदल गया, अभी बड़ा एटीट्यूड हो गया, ये वो। तो मेरा ऐसा मानना है कि पावर और पैसा कभी किसी को बदलता नहीं है, वो एक बूस्टर्स होते हैं। लेट से कि अगर कोई अच्छा आदमी है तो वो और अच्छा हो जाएगा जब उसके पावर और पैसा आएगा, और जो बुरा आदमी है शायद वो प्रिटेंड कर रहा था अच्छा होना, बट जब पैसा और पावर उसके पास आएगा तो वो अपने असली रंग दिखाता है। जिसको बोलते हैं ना लोग चेंज हो गए या ये वो, तो वो चेंज नहीं होते हैं, वो एक्चुअली उनके रियल करेक्टर्स बाहर आते हैं। जैसे अगर किसी के पास, आपने बहुत सारे लोगों के एग्जांपल्स भी सुने होंगे कि भाई उनके पास ज़्यादा पैसा आ गया, उन्होंने 1,000 करोड़ दान कर दिया, 1,000 करोड़ का चैरिटी कर दिया, 1,000 करोड़ का कुछ कर दिया, 500 करोड़ का कुछ कर दिया। तो ऐसा नहीं है कि उनके पास पैसा आया तो उन्होंने ऐसा किया। जब वो छोटे रहे होंगे तब भी उन्होंने वो 100 रुपये दान करते होंगे, 200 रुपये दान करते होंगे, 500 रुपये दान करते होंगे। तो ये पैसा और पावर हमेशा आपके कैरेक्टर को मल्टीप्लायर्स होते हैं, कि जो आपका एक्चुअल करेक्टर है वो बाहर निकल के आता है जब आपके पास पैसा और पावर ज़्यादा आती है। जैसे कुछ लोगों के पास पावर आएगी तो पता चला वो किसी भी छोटे आदमी को, हर छोटे आदमी को 2 थप्पड़ मारते हुए चलेंगे कि यार तूने बेकार आदमी है, ये है वो है, बट जो पावरफुल आदमी होगा वो सपोर्ट करता है, करेक्ट। तो मतलब ये ऐसे करेक्टर्स हैं ना, जो आप ये नहीं कह सकते कि पैसा और पावर ईविल है। ईविल कहीं अंदर ही था जिसको उसने बूस्ट कर दिया। जैसे कहते हैं ना कि मान लीजिए जैसे कोई चोरी करता है, वो चोरी शायद उसके सरकमस्टांसेस हैं या किसी वजह से उसने चोरी कर ली, बट वो उसके करेक्टर हैं कि नहीं है वो जब उसके पास पावर और पैसा है तब चेक करना चाहिए। जैसे हम लोग देखते हैं ना कि कई मंत्री लोग पैसा पता पड़ा है फिर भी फ्रॉड करते चले जा रहे हैं, कई बड़े बिजनेसमैन हैं ऑलरेडी पैसा था, ऑलरेडी बहुत कुछ था, तो फिर भी उन्होंने और 10,000 करोड़ का घपला कर दिया। सो ये पैसे की प्रॉब्लम नहीं है, ये कैरेक्टरिज्म की प्रॉब्लम है। कि अगर आपका कैरेक्टर ऐसा है कि जो आपको प्रोवोक करता है और जो आपको इन्फ्लुएंस करता है गलत करने के लिए, तो पैसा और पावर उसके बूस्टर्स हैं। अगर आप अच्छे हैं तो पैसा और पावर फिर से वहाँ पे भी बूस्टर हैं कि आपकी अच्छाइयाँ और ज़्यादा बढ़ेंगी लोगों के लिए। आप देखो ना, टाटाज हुए या कई ऐसे एग्जाम्पल, हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल जो चैरिटी के लिए आज कितना कुछ करते हैं। तो आई थिंक ये हम सबको अपने आप में एक मंथन करने की ज़रूरत है कि जब हमारे पास पैसा आएगा तो हम क्या बनना चाहते हैं। ये हमारा आज बता देगा हमें कि हम पैसा और पावर का कलम क्या करने वाले हैं, करेक्ट। तो दिस इज़ जस्ट अ थॉट विच केम टू माई माइंड टुडे, और मुझे लगता है कि पैसा और पावर ना ईविल है ना गुड है, इट इज़ जस्ट एन बूस्टर ऑफ आर रियल करेक्टर्स। थैंक यू वेरी मच।